बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के। मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में एक दो तीन मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए। फोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, दो रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात, अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब मैं तीन सीट लड़ रहा हूं, चलिए तीन सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं, आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है। मिला हमारे अब्बा हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए। अगर आप जबानी काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं इलेक्शन मत लड़िए, वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आईन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। लड़ाई साहब मेरे लिए नहीं हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और लड़ेगा लड़ाई ये, मगर ये चीजें हो रही हैं।